सर ट्रूली स्पीकिंग स्क्रीनिंग का रेशो वैसे भी 6-8% होता है, तो सर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, दे फेस डिफिकल्टी जस्ट टू गेट स्क्रीन्ड। 90% है। यस सर। 5-6% है, मेरा तो नहीं है। 90% है, आई डिफाई दिस स्टेटमेंट, आउटराइटली रिजेक्टेड। सी द ओनली वे टू गेट स्क्रीन्ड इज परफॉर्म। यू परफॉर्म, मैं हमेशा बताता हूँ यार, आपको कोई सेलेक्ट रिजेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग एंड दैट इज योर परफॉर्मेंस। इफ यू परफॉर्म, यू टेल मी कौन आदमी ये जॉब को रिजेक्ट करेगा। 3 मिनट आपको मिलेंगे, अपना 30 सेकंड स्टोरी देखने के लिए मिलेंगे, 4 मिनट लिखने के लिए मिलेंगे, देन अबाउट 40-50 सेकंड टू नरेट योर स्टोरी। आई गिव यू एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट है जिसने अच्छा सोचा, साफ सुथरी सोच है, 30 सेकंड में पिक्चर को अच्छे से ध्यान से देखा, एंड जैसे मैंने बताया कि अपने लिए अच्छा टास्क जनरेट किया एंड ही अकम्प्लिश्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। उसके बाद 40-45 मिनट है वहां पे खड़े होकर के 50 सेकंड के अंदर अगर अपनी बात अच्छे से रखता है, मॉर्निंग दिस इज शीतल एंड टुडे व्हाट आई परसीव इन द पिक्चर इज दिस, मेन हीरो इज दिस, मूड इज दिस, मूड इज पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जो भी आपका, एंड माय स्टोरी गोज लाइक दिस। अब 50 सेकंड में कॉन्फिडेंटली विद अ गुड बॉडी पोस्चर कॉन्फिडेंटली यू स्पीक। देखो बात करने में ना जोर लगता है, अगर 50 सेकंड बोलने से अगर आप स्क्रीन इन हो रहे हो तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आई एम आस्किंग यू। यस सर। बोलना चाहिए? बिल्कुल सर। टांगे कांप रही है, डर लग रहा है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो आप, देन यू डोंट डिजर्व इट। अगर इतनी प्रॉब्लम्स है 50 सेकंड में आपको, देन यू डोंट डिजर्व ए चांस। बिल्कुल सर। देखो बात कर रहा हूं मैं आपसे, मुझे बताओ आप, एक मैं ऐसे बात कर रहा हूं ऐसे करके नीचे नजर, दूसरा थोड़ा मुंह ऐसे है, मैं कहता हूं 1 सेंटीमीटर थोड़ी सी अपनी चिन, अगर मैं ऐसे बात करता हूं कौन सा कॉन्फिडेंट लगता है? सर दिस वन। This one, yeah. So, आप ऐसे करके बात कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, why can't you look into the eyes, stand firm and थोड़ा सा ऊपर देखिए। Morning friends, I'm Rajiv and today I'm going to narrate my story. In the given picture, I perceive this, this, this. When you speak, people should fall in love with you for that 50 seconds. Yes. लगना चाहिए कि ये जज्बाती बंदा है, अंग्रेजी कमजोर हो सकती है बट भाव बहुत अच्छा है, भावना बहुत अच्छी है और शिद्दत से बोल रहा है बंदा, जोर लगा रहा है, दिख रहा है साफ साफ, एंड पीपल शुड बी एबल टू फील इट। टांग पे मजबूती से कपड़े अच्छे तरीके से पहने हुए हैं, विद डीसेंट हेयर कट, चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मजबूती से अपनी बात रख रहे हो, कौन है आपको जो रिजेक्ट करेगा? बिल्कुल। आप ठोक दबा करके अंदर जाओगे। माय स्टूडेंट्स टेल मी, गांव से आया हुआ जो कह रहा था सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कौन बोलता है? कैसे सारे बोलते हैं, मैं सब बेवकूफ है। ये बात तुझे इसलिए ठीक लगती है बिकॉज यू ब्लडी बिलीव इन दिस, आई रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो बोल सकता है, अच्छा बोल सकता है। बिल्कुल। वही बंदा मुझे कहता है स्क्रीनिंग इन में, सर होने के बाद में अंदर, देन ही कॉल मी एंड देन टेल्स, कह सर मैं बिल्कुल शेर की तरह बोला सर, अरे गुड आई नो दैट यू हैव बीन ट्रेन्ड वेल। कहते सर मुझे सबने बोला था कि तू पक्का अंदर जाएगा, और सर मैंने यहाँ करके देखा कि सर अपने आप को अच्छे से कैरी करने से, अच्छे तरीके से कपड़े पहनने से और विश्वास से बात रखने से कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने देखा लोग इंग्लिश स्टैंडर्ड वाले थे और बहुत वो अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं था सर, सब बकरी की तरह लग रहे थे, डरे डरे बिल्कुल, लेकिन मैं शेर की तरह बोला सर, मैं गुड आगे भी ऐसे ही बोलता रहा, बस इतनी सी बात है। सो स्क्रीन इन नहीं हुए, स्क्रीन इन हो गए ना, वो अकेडमी में कोचिंग में जो आपको बताया उसके भरोसे पे ज्यादा काम करते हो, खुद पे भरोसा कम है तो कैसे रिजल्ट आएगा? बिल्कुल। अरे आप मैदान पे उतरे हो, कम से कम 5 मिनट मजबूती से खड़े होकर के दिखाओ। ठीक है, चेहरे पे आपके एक्सप्रेशन में, आप एक्सप्रेशन दे रहे हो लेकिन पहले ही टेंशन आंखों में, चेहरे पे ऐसे बना रखे हैं, मेरे को सुनने की भी जरूरत नहीं, मुझे दिख रहा है बोल रहे हो तो आपकी आवाज कहाँ पर रही है, फंबलिंग हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी बोलना चाह रहे हो इंग्लिश, आराम से बोलो, आपकी स्पीड है लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलो। बिल्कुल सर। आंख में आंख डाल करके देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, कभी दाएं बाएं देख रहे हो, बीच बीच में जीटीओ को भी देखते हो। ठीक है, तो आप जीटीओ को देख लो। अरे जीटीओ को देखने की सुनने की जरूरत नहीं है, महसूस कर सकता है इंसान दूसरे की परफॉर्मेंस। बिल्कुल सर। जो आदमी ठीक से खड़ा है, गर्दन ऊपर है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, तो दिखता है कि ये आदमी अंदर आना चाहता है, आप खुद जाओगे अंदर, आपको कोई नहीं रोकने वाला। सो 4%, 5%, 6% नहीं मानता मैं, देन जो सिखाने वाला है वो फेलियर है। यू कहते 5-6% है, मैं छाती ठोक के कहता हूँ 90% है प्लस है। और जो आता है वो मेरे को कभी ये नहीं कहता कि सर पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गया, वो ये बताता है कि सर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि सर नहीं हो पाया, गलती मेरी है सर, आई नो द मिस्टेक। मेरा स्टूडेंट खुद बताता है सर गलती मैंने करी है, सर आपने बोला था ये मत करना बट सर मैंने ये रूल तोड़ दिए दोनों और गलती करी और वो मेरे को महसूस हो गया था सर उसी समय कि आप डन रॉन्ग थे। यस सर। ठीक है, बाकी 10% बताते हैं मेरे को कि सर गलती किधर हुई है, दे डोंट आस्क मी सर वेयर आई गॉन रॉन्ग। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इन कोई बड़ी चीज नहीं है यार, जो आदमी 5 मिनट अपना इंचार्ज अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ही शुड नॉट एक्सपेक्ट एन मोर फ्रॉम हिमसेल्फ और हर। जिम्मेदारी आपकी है, लेनी भी पड़ेगी आप ही को, यू कैन ब्लेम समबडी एल्स फॉर दिस कि सर बाकी लोगों ने तो ये नहीं बोला, सब फिश मार्केट हो गया, एनी आइडिया
यू टेल मी एंड एनी रीजन यू गिव मी आई विल टेक इट एज एक्सक्यूज, दिस इज व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स. यस भाई, फिश मार्केट है, सो व्हाट, आप में जान है, आप में दम है, तो यू विल बी एबल टू सेल योर फिश इन द मार्केट. अब मैं कैसे सिखाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ यार, एक सिंपल सा एग्जाम्पल. सब्जी मंडी में आप जाओ, सब्जी मंडी में आप जाके देखो, वहां पे एक अनपढ़ या फिर बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है जिसके पैर में चप्पल या सैंडल है. इंग्लिश दूर की बात है बट हिंदी भी ढंग से नहीं आती. बट वो आदमी भी वहां पे देखो क्या क्या कर रहा है काम. वो मार्केटिंग अपनी खुद करता है, सेल्स वो खुद करता है, चला रहता है, टमाटर ले लो, आलू ले लो, इतने ले लो, इसका धनिया फ्री ले लो, बढ़िया टमाटर, ताजे टमाटर, ठीक है, चिल्लाता है जोर जोर से. एक बैग टांगा होता है, लीजिए बहुत ही पांच आपके खुले नहीं है धनिया की, आप गुच्छे ले जाइए, कर लीजिए. फाइनेंशियल भी वही देख रहा होता है. Yes, sir. सुबह शुरू होता है, शाम तक लगा रहता है, उसी वॉइस में, जोश में चिल्लाता रहता है. उसको तो कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा एज एन ऑफिसर, बट क्यों कर रहा है वो, बिकॉज उसको अपने पेट की भूख मिटानी है, परिवार में चार लोगों की छोटी छोटी जरूरत पूरी करनी है, बच्चों के लिए खिलौना ले जाएगा, रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, माँ बाप की शायद दवाई का बंदोबस्त कर लेगा. बिल्कुल, जरूरत है इसलिए काम कर रहा है. और जो SSB एस्पिरेंट है वो अगर पैशनेट है वो नहीं कर पा रहा, आई कैन ओनली एन फील सॉरी फॉर देम. एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी इतना जोर लगाता है, और पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अच्छी फैमिली से, वो भी सब्जी मंडी में जाते हैं खरीदने के लिए, एंड वो कन्विंस करता है उनको कि भैया मेरा प्रोडक्ट लो, ही नोज हाउ टू सेल हिज प्रोडक्ट इन द मार्केट, एंड यू कांट टेक ए स्टैंड फॉर ब्लडी 5 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग. ठीक है, कोई रीजन अच्छा रीजन नहीं है. अरे अपने आसपास देखो यार, लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यू नो, टू मेक द एंड्स मीट, और आप अपने लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर रीजंस, चेंजिंग फ्रॉम अकेडमी टू अकेडमी टू अकेडमी. No academy is going to do magic. Magic lies within you. आप करके दिखाओ, आपको सलूट मार के लेगा बंदा अंदर की काम. कौन ऐसा इंसान है जो कहता है मुझे मजबूत आदमी नहीं चाहिए, चाहे फौज में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लाइफ पार्टनर हो, रिलेशनशिप हो, अच्छा इंसान हर एक आदमी चाहता है कि भी उसकी लाइफ में आए. आप अच्छा काम करके दिखाइए, डोंट बी एन टू दिस थिंग के अंदर, पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा, लोगों की बात सुन के जाते हो रिपीटर्स के लिए तो मुश्किल होता है, है ना, जो डिफेंस बैकग्राउंड से उनका तो पक्का हो जाता है, जो एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका पक्का हो जाता है. दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चंस जो जो आपने बोला है सर, दीज आर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड दैट अभी फिजिकल फिटनेस वालों को लेते हैं, और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है SSB क्रैक करना, मोस्ट इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स को लेते हैं, मिलिट्री बैकग्राउंड वालों को लेते हैं. सो व्हाट आर योर थॉट्स? बताता हूँ मैं, मिलिट्री बैकग्राउंड वालों को लेते हैं, आप उठा करके देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट्स टुडे, यू नो, कि कितने हैं मिलिट्री बैकग्राउंड. मैक्सिमम शेयर इज फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड, नंबर वन, ये स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. दूसरा, जिसको इंग्लिश आती है, नो, इंग्लिश इज जस्ट अ ब्लडी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद समवन. ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं, मैं अपने कोर्स में भी जानता हूँ, जो भैया उस समय इंग्लिश बोलता था बस थोड़ी बहुत, और आज भी थोड़ी बहुत ही बोलता है, बट बंदा अच्छा था. फिजिकल फिटनेस वाले को लेते हैं, नो, फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन ठीक कीजिए अपनी. फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं है जिसके 6 body pack हैं उसको लेते हैं, ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर आपकी हाइट है और BMI के हिसाब से आपका वजन 60 kg होना चाहिए, और आप 80 kg के हैं और आप कह रहे हो फिजिकल फिटनेस है ना जिसकी अच्छी है, तो ऑब्वियसली यार मैं क्यों लूँ, आई डोंट वॉन्ट ए लाइबिलिटी. जो आदमी खुद पे, भाई इसको फिजिकल फिटनेस नहीं कहते, मैं कहता हूँ इट इज अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, इट इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन योर ओन बॉडी. जो आदमी खुद अपने लिए शिद्दत से काम नहीं कर रहा, अपने शरीर को खा पी करके पूरा बेड और बना रखा है, वो आदमी ऑब्स्टिकल में भी अच्छा नहीं करेगा. जब आप ग्रुप टास्क में जाओगे, चाहे वो स्नेक रेस है, कुछ भी है, यू विल बी है ना more than a contributing factor, you will be liability. तो आप किस हक से बोल रहे हो मेरी फिजिकल फिटनेस वाले को लेते हैं, बिल्कुल लूंगा भाई, उसने काम किया अपने ऊपर, क्यों नहीं, उसका हक बनता है. आप एक्सपेक्टेशन ही अपनी गलत है, आप रियलाइजेशन में आ जाओ और रियलाइज करो कि भैया फिजिकल फिटनेस इज अ मस्ट. जो आदमी फिजिकल फिट है वो टाइम पे उठेगा सुबह, थोड़ा दौड़ करके आएगा, उसका डिसिप्लिन अच्छा होगा, उसका फिजिकल एंड मेंटल मेकअप भी स्ट्रॉन्ग होगा, चीज गिर गए तो कोई बात नहीं, दोबारा खड़े हो जाओ फिर दौड़ेंगे. पर जो आदमी दौड़ता नहीं, भागता नहीं, उसको छोटी चोट लगेगी, वो ऐसे इशू मचाएगा जैसे नेशनल इशू हो गया, डिजास्टर, चोट लग गई, चोट लगी, सो व्हाट, इग्नोर एंड मूव. ये सारे मिथ हैं, है ना, बहुत बड़े मिथ हैं. जो स्पोर्ट्स खेलता है, भाई चलो मान लो स्पोर्ट्स नहीं खेला बट कहीं तो कुछ अच्छा किया होगा. ज्यादा इंटेलिजेंट को लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स चेक करके देखो, फौज में एवरेज आदमी इज ए प्रेफर्ड ऑप्शन. इंटेलिजेंट आदमी तो इक्का दुक्का ही होता है जो फौज में आ जाता है, ज्यादा इंटेलिजेंट की आदमी नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी यहां से सोचता है. फौज में आदमी चाहिए जो यहाँ से बढ़िया हो, मजबूत हो, दिल मजबूत होना चाहिए, साफ होना चाहिए. Nobody is looking for mediocre is the best, ठीक है, for army. दिमाग लगाने वाला इंटेलिजेंट आदमी क्यों, गोली चल रही है इसमें मुझे चोट लग सकती है, इसमें ये हो सकता है, आई नीड टू केयर फॉर माई लाइफ. जज्बाती आदमी चाहिए, मेरे को गोली लग रही है कोई परवाह नहीं, दूसरे की तरफ चलिए मैं सामने आ जाऊँ कि जान दे दूंगा इसको, नहीं जाने दूंगा. इंटेलिजेंस कहाँ से आ गई इसमें? मैं तो हमेशा बोलता हूँ इंटेलिजेंस की बजाय मैं ईमानदार आदमी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है,
और जिनको है कि भाई इंटेलिजेंट है डोंट गो फॉर एसएसबी। अगर आपको इतना ही क्लियर है इंटेलिजेंट आदमी है एंड यू डोंट कंसीडर योरसेल्फ इंटेलिजेंट देन डोंट गो। आई एम लुकिंग फॉर ए ऑनेस्ट एवरेज बट हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर पर्सन नॉट ए इंटेलिजेंट गाय। अरे इंटेलिजेंट गाय का मैंने कोई नासा की मिसाइल थोड़ी तैयार करनी है फौज के अंदर। अब खुद बताओ शीतल, 8th class or 10th class पास वाला आदमी है, ठीक है, क्या सीखा उसने 8th 10th में? बहुत बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है आपकी। और वो आदमी जब आता है फौज के अंदर तो उसके बाद में वो मिसाइल्स भी हैंडल करता है, टैंक भी हैंडल करता है, कंप्यूटर भी हैंडल करता है। यस सर, ही वाज नॉट इंटेलिजेंट बट ही वाज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग एंड दैट्स व्हाई ही हैज बीन एबल टू डू दिस थिंग। और कितने लोग हैं जो बीटेक में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद में आई हैव सीन दे स्टैंड अप इन द रिक्रूटमेंट रैली कि सर सफाई वाले की जॉब, बारबर की जॉब, सब कुछ भी मिल जाए बट जॉब चाहिए। यस सर, इंटेलिजेंस का क्या लेना देना है? आई एम गिविंग यू टू एक्सट्रीम एग्जांपल्स। मतलब जब 8th 10th पास वाला जवान है, who has been trained well, जो हार्ड वर्किंग है, सीखना चाहता है, सीखा है, इतनी मजबूत चीजें हैंडल, मिसाइल उसके भरोसे पे एक बटन दबाकर के टारगेट बर्बाद करना, इसमें इंटेलिजेंट कहाँ है? इंटेलिजेंट तो नहीं है, he was just 8th and 10th पास, you know? And ये जो आकर के फिर एनसीओ बनता है और अच्छा करता है कोर्स में, वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराता है। ये देखो मजेदार बात, अकेडमी में वेदर इट इज एनडीए ओटीए एनआईए में जो 10th 12th पास है वो आदमी ऑफिसर प्रोडक्ट तैयार करता है। वो तो इंटेलिजेंट नहीं था बट ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, दैट्स व्हाई दे एंड लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक बनते हैं। ट्रेन बाय होम, ट्रेन बाय जीसीओस एंड एनसीओस। यस, बहुत बड़ा मिथ है ना, दिमाग से निकाल देंगे तो ठीक रहेगा, इंटेलिजेंट लोगों को रहते हैं, फिर मेहनत करो, अगर फिर भी अगर डाउट है तो इंटेलिजेंट क्यों नहीं बनते आप? इंटेलिजेंट बनने के लिए जोर लगना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो करिए प्लीज, देयर इज नो शॉर्टकट। प्रॉब्लम है अगर आपको लगती है यू आइडेंटिफाई, वर्क अपॉन इट, इंटेलिजेंट बनो फिर। यस सर, क्या इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है? एक एग्जाम्पल तो ये बैठा है अभी, हु इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ इंटेलिजेंट बट आई एम डैम हार्ड वर्किंग गाय। 100 आदमी का काम करा लो, कभी मना नहीं कर। I'd been to a lecture for some event somewhere, and I told them that I'll quote you. You raised an interesting question. I told them, "Well, you guys have scored 99% in academics, and you cleared the toughest exam, and IIT clear करके तुम लोग यहाँ पे आए हो. But look at this thing. आप 6 महीने से stage जा कर रहे हो, so that a person who was average, just an average like me, can come and deliver a motivational lecture to you. The 99% is sitting on the auditorium to clap for a guy who was mediocre." An average, but is full of confidence and he knows what to speak. Which is better, to stand on the stage and address others or to sit down and clap for someone? I am not intelligent. Intelligence का कोई लेने देना नहीं है। 99% वाला मुझसे पूछ रहा है कि सर लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, है ना? और 50% वाला बता रहा है कि भी ऐसे काम है। वो कह रहा है गुड सर, समझ में आ गया। अरे यार, अरे अपने घर में देख लो यार, आप है ना 50 एग्जांपल्स हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके टाइम पे तो एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, वो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल सर, बट दे वर सिंसियर एनफ, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रेज किया, अच्छी वैल्यूज दी, सोशल स्टेटस थोड़ा बढ़ा करके दिया जितने रिसोर्सेज थे उसके मुताबिक भी, दे लेड अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ एंड दे सेट अ गुड एग्जांपल फॉर अस। दूर किस लिए जाना, घर में ही देख लो, एक जनरेशन पीछे, दे वर नॉट इंटेलिजेंट बट दे वर डैम सिंसियर, ठीक है। यस सर, so how to stay motivated during the preparation of SSB? So इसके लिए भगवान आएंगे बाहर से मोटिवेट करने के लिए, है ना? एक टांग पे खड़े जाओ, ऐसे हाथ करो और प्रार्थना करो, है ना, और 108 बार बाला जपो। अरे मोटिवेशन के लिए कोई चूर्ण नहीं आता, मोटिवेट खुद को करना पड़ता है ना यार। मैं बोलता हूँ लोगों को बाहर देखो, यू गिव अप सो इजीली ना, पीपल गिव अप सो इजीली। लोग रैश रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, शराब पीकर के ड्राइविंग करते हैं, जानवर के पैर के ऊपर से गाड़ी निकाल देते हैं, दोनों टांगे टूट जाती है जानवर की, बट उसके बाद में भी 6 साल 8 साल 10 साल गजीरता है वो जानवर अपने आप को, लेफ्ट राइट दिन में 10 जगह जाता है, अपनी रोटी का जुगाड़ करके लेकर के आता है, बिल्कुल ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं तो जानवर उसको भी लाके खिला, दे डोंट गिव अप। एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सर मुझे डिप्रेशन आ रहा है, सर मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं किसी काम का नहीं रहा, कर लो यार, कोई क्रांति आ रही है आप कैसे करने से, इतने कमजोर हो आप, खुद साबित कर रहे हो, बाहर से कोई नहीं आएगा शीतल मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है। एंड द बेस्ट वे इज टू डू ऑटो सजेशन। सुबह जब खड़े होते हो खुद अपने आप को बताओ कि यार 24 घंटे हैं, सबके पास उतने ही हैं, अभी एक एनसीसी का आज आया है, ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं, दुनिया भर के कॉल आए हैं कल मेरे पास में, सर बर्बाद होगी लाइफ, सर कुछ नहीं बचा, मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं क्या हो गया? सर एनसीसी की कंडीशन चेंज होगी, मैंने अप्लाई किया था सर बट 60% कर दिया अभी, सर व्हाट टू डू नाउ, सर मेरा क्या होगा? मैं कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मैं तुम्हें बहुत पहले से बोल रहा हूँ, डोंट ओवर रिलाई ऑन एनसीसी,
तुम जाओगे मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू डिफिकल्ट करूंगा, बिकॉज यू नो एनीथिंग विच कम्स इजी वे ना इज ऑलवेज चीप। यस, आपने तैयारी कभी नहीं करी एग्जाम की बिकॉज आप इसी भरोसे में बैठे हो, एनसीसी के थ्रू जाऊंगा, टेक्निकल एंट्री के थ्रू जाऊंगा, टेक्निकल एंट्री एंड एनसीसी। एग्जाम की तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसमें जोर लगेगा, उतनी मेहनत आप करना नहीं चाहते, एंड दिस इज हार्श फैक्ट एंड यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो कोई बात नहीं, मैं डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन, नाउ द वर्स्ट हैज हैपन, अब आप करोगे एग्जाम की तैयारी। इसमें भी दो तरह की लॉबिंग है, एक वो लोग हैं जो है ना शोक सभा अरेंज करेंगे कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हो गया, हम चलो भैया इसके लिए आवाज उठाते हैं, अब क्या करें, एंड यू कीप ब्लडी वेस्टिंग योर टाइम, नो वन हैज टाइम टू फील पिटी फॉर सच कैंडिडेट्स। और दो लोग ऐसे होंगे जिनको बात समझ में आएगी, बोलो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो कर लेनी चाहिए मेहनत, और वो बैठेगा आज से तैयारी करने के लिए, यार अब मैं एग्जाम में पूरा जोर लगाऊंगा। उसमें भी एक होंगे जो कट ऑफ के हिसाब से काम करेंगे, और दूसरे बोलेंगे नहीं भाई जी जान लगा दूंगा, कट ऑफ नहीं, कट ऑफ तो मैं तय करूंगा, मैं ऊपर वाले ब्रैकेट में आना है, मेरे को जोर लगाना है। 6 months यार, 6 महीने आपके पास में, 6 महीने में कौन आदमी हिंदुस्तान का कितने 40% वाला हो वो भी एग्जाम क्लियर कर सकता है अगर मेहनत करे तो, ठीक है, नथिंग कम्स इजी फॉर फ्री। 6 महीने है, मेहनत करके देखो, गजब का नशा आएगा, है ना। और जब आप मेहनत करके एग्जाम क्लियर करोगे ना, तो एक अलग से जुनून आएगा, यार मैंने बहुत मेहनत करी है, और मेरे को SSB में बहुत अच्छा कर रहा है। पहले क्या किसी को दो लाइन भी बोलनी नहीं आ रही, जनरल अवेयरनेस भी जीरो, सर वो NCC की एंट्री में जा रहा हूँ सर, सर वो CDS करना है, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, मैं एडमिशन नहीं देता, तो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क मैं महसूस करता हूँ जो मेरे काम करने का तरीका है। अगर भीड़ इकट्ठी करनी हो तो मैं 1000 आदमी इकट्ठे कर रहा हूँ, चलो भैया दौलत कमानी शुरू करो। मैं उनको बताता हूँ, मैं बेटा प्रेजेंटली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, मैं अगर मैं आपको एडमिशन देता हूँ तो एक चीज़ तो है ना, मैं अपने आपको गलत प्रूव करता हूँ, ये बात तो पक्की है, मैं गिल्ट में काम करूँगा, नतीजे तो मुझे अभी क्लियर दिख रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बिफोर यू कम एंड टेक एडमिशन, एटलीस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ एंड डेवलप दोज सॉफ्ट स्किल्स। घर पे बैठ के काम करो, इसमें टाइम लगेगा, रोज डिक्शनरी उठाओ, कुछ नए वर्ड ढूंढो, कुछ ये प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। अभी अगर मैं एडमिशन दूंगा तो 3 चीज़ें पक्का हैं, आपके माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा, आपका समय और मेरी मेहनत, तीनों चीज़ें विल गो फॉर एग्जाम, तीनों चीज़ें पक्का बर्बाद होंगी। एट द एंड ऑफ द डे ओनली थिंग यू विल है ना क्रेडिट है ना माई फीस टू माई अकाउंट, दैट्स इट, एंड आई डोंट वॉन्ट दिस फीस। मैं ट्राई करके देख ले हिंदुस्तान की किसी भी अकेडमी में, उत्तर को बोलेगा अब भी आओ हम बनाएंगे आपको अफसर, कुछ नहीं बनेगा बेटा, बिकॉज आपने तैयारी नहीं करी, आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो। मैं पहले मेहनत कर और फिर मेरे पास में आ जाए। एक लड़का है जिसने बोला सर आई वॉन्ट टू कम टू यू, है ना, मेरा ये वो करके मैं उसको छोड़ दे, मुझे बता मेहनत क्या कर रहा है। ही टोल्ड मी कि सर मैं 500 out of 500 मार्क्स लेके आऊंगा डेली, तो लेकर क्या, डोंट वरी अबाउट द फीस, तेरे को स्पॉन्सर करूंगा मैं, ठीक है। मैंने उसको बोला था 460 से ऊपर लेकर के आ जा, देन आल्सो आई एम हैप्पी दैट ही बर्गर हैड स्कोर्ड 500 out of 500, केप्ट हिज प्रॉमिस, आई डोंट सी ए रीजन टू से नो टू दिस गाय, इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और लेकर क्या है, उसने प्रूव किया, नाउ आई विल ट्रेन हिम। अब ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए, 22 स्टूडेंट ओनली एंड दे टॉप इन इंडिया, है ना, जितने मॉक टेस्ट है उसके अंदर टॉप कर रहे हैं रिटर्न के अंदर। अब वो कह रहे हैं सर मेरे को अलग अलग एडमिशन वाले फोन कर रहे हैं कि आपको हम है ना पेमेंट देंगे, आप एक इंटरव्यू दे दीजिए, आप हमारे को एक फोटो खिंचवा लीजिए, योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू, बोला नहीं सर मैंने सबको पॉज कर दिया, मैं कहीं नहीं जा रही, आई एम गुड, ठीक है, डोंट डू दैट थिंग। सो ये गलत चीजें हैं जो दिमाग में बिठा करके बैठे हैं ना। अभी NCC है, हो गया, एक्सेप्ट द रियलिटी, मेहनत करनी शुरू कर दो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, है ना, एंड कंडोलेंस, डोंट डिक्लेयर योर सेल्फ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दिस जस्ट द बिगनिंग, समटाइम वी लर्न थिंग्स हार्ड वे इन लाइफ, पीपल शुड टेक दिस एज अ वेकअप कॉल कि भैया कोई बात नहीं, मैं भी NCC में था बट आई वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन NCC, ठीक है, मैं NCC के भरोसे था ही नहीं कभी भी, NCC में अच्छी चीजें सीखनी थी, वो सीखी, प्रूव करना था किया, बट एग्जाम क्लियर करके एग्जाम के थ्रू गया। जब एग्जाम के थ्रू आप जाते हो कैंडिडेट और NCC का आता है, मैं NCC वाले से 20 सवाल पूछूंगा करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के, नहीं जवाब देगा इट शोकेस से मैंने पोर लाइट। दूसरा कैंडिडेट आया जो एग्जाम क्लियर करके गया, मेरे साथ हुआ था, उसने 10 सवाल पूछे, मुझे 6 नहीं आते थे जनरल अवेयरनेस के, आई सेड आई डोंट नो, बट अब व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है शायद उसने देखा होगा, चलो कोई बात नहीं यार, एकेडमिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी प्रूव्ड हिज वर्थ, अगला मेहनती है, एग्जाम क्लियर करके आया, बिल्कुल ना, नहीं पढ़ा इसे खुद कह रहा है कि सर मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बट एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा सा मेरे लिए ठीक ही हुआ है एज कम्पेयर टू दैट गाय हु स्ट्रेट वे वॉकिंग अप एंड नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। यस सर, ठीक है, तू चलता जा, तू चल।